friends, I'm Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. So today we talk about income elasticity of demand. Ab ye income elasticity kya hoti hai? Aaiye dekhte hain. Income elasticity is equal to percentage change in quantity demand divided by percentage change in income. Kya hamari income mein change hone se hamari quantity demand mein kitna change aata hai ya hamari demand mein kitna impact pada hai income ke change hone se wo hum kaise compute karenge income elasticity se. मान लीजिए हमारी इनकम में चेंज हुआ 20% और हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो गया 40%, तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? 2, विच इज ग्रेटर देन 1. अब ये आगे हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी गुड पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है. सो हमारी नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. तो वी हैव 3 इनकम इलास्टिसिटी. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड वन इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब फर्स्ट पॉजिटिव का हम देख लेते हैं. पॉजिटिव में कैसे आएगा कि पॉजिटिव रिलेशन कैसे होता है कि कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है. देखते हैं, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है. तो ये क्या कहलाएगी? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. व्हेन हमारी इनकम में मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ गई, समहाउ हमारी इनकम में इंक्रीज हो, हम क्यों कम करें, हम पैसे बढ़ाएंगे, हमारी इनकम, हमारी सैलरी बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, बट तब हमने क्या करा, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड गिर गए, तो किस में आएगा? नेगेटिव रिलेशन हो गया ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो ये आएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में. जीरो, मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ गई फिर भी हमारे कंजम्पशन में कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा? जीरो इनकम इलास्टिसिटी. आइए ना हम वन बाय वन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. अब इसके अंदर कौन सी गुड्स आएंगी? इसके अंदर हमारी लग्जरी गुड्स आएगी. मान लीजिए हमारी इनकम में 20% का चेंज आया और हमारी क्वांटिटी डिमांड में 40% चेंज आ गया, तो ये कैसी गुड होगी? ये होगी लग्जरी गुड. मान लीजिए हमारे पास थोड़े बहुत पैसे, बस जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हम ये सोचते हैं कि चलो वेकेशंस पे चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं. हम घूम के आते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? लग्जरी फील करते हैं. तो जैसे ही हमें इनकम हमारी बढ़ी तो हमने क्या करा, हमने एक वेकेशन पे जाने के लिए ट्रिप बस सोच लिया कि हम कहीं घूम के आते हैं. तो ये क्या हुआ? 2. तो इसका हमें ये पॉजिटिव है, तो किस में आई? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में. मान लीजिए हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ 20%, लेकिन हमने 10% उस क्वांटिटी का कंजम्पशन कम कर दिया. पहले हम 20 कर रहे थे लेकिन हमने गिरा के 10% कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? -1. तो ये किस में आया? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में. थर्ड इज जीरो. मान लीजिए हमारे इनकम में 20% चेंज हुआ बट हमारी क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ या 5% चेंज हुआ, तो देखते हैं 5/20, तो ये कितना आया हमारा? 0.4. तो ये इक्वल टू जीरो या बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, तो ये किस में आएगा? हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी में. अब इनके अंदर कौन कौन सी गुड्स आ जाती हैं? पॉजिटिव में आएगी हमारी लग्जरी गुड्स. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में कौन सी आएगी? इंफीरियर गुड्स. एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी में कैसी आएगी? नेसेसिटी गुड्स. अब लग्जरी गुड्स में कौन सी आती है? हमारी कार्स हो गई, एसी हो गए. जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सोचते हैं बड़ा टीवी लगवा लें, वेकेशंस पे चले आए, वो सब किस में आएगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में इंफीरियर गुड्स कैसी होती है हमारी? इंफीरियर गुड्स हो गई या मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई तो पहले आप बस राइड प्रेफर करते थे, लेकिन जैसे इनकम बढ़ी तो आपने सोचा मैं कोई कार ही खरीद लेता हूँ, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? बस राइड की जगह कार राइड प्रेफर करेंगे. ये कैसा हो गया? इन्फीरियर गुड का हो गया. इन्फीरियर गुड में बहुत ही चीप क्वालिटी की गुड्स आती है लाइक ज्वार, बाजरा, पोटैटो. तो आप क्या कहते हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो हम सोचते हैं हमारे सोसाइटी में रहना है हमें, तो हम थोड़ा सा हमारा कंजम्पशन अच्छी क्वालिटी की गुड्स की तरफ मोड़ देते हैं. नाउ जीरो नेसेसिटी गुड्स इसमें आएगी. अब जिस नेसेसिटी में कैसे कौन सी गुड्स आती है लाइक सॉल्ट, कैरोसिन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, न्यूज़पेपर, कि जिनका कंजम्पशन हमें करना ही करना है, कि हमारी इनकम में कितना ही चेंज आ जाएगा तो हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करने थोड़ा ना लग जाएंगे. लाइक मेडिसिंस, कि हमारी इनकम है ना बढ़ गई है तो हम ज़्यादा ही थोड़ी ज़्यादा मेडिसिंस कंज्यूम कर ले सकते हैं, तो पॉसिबल थोड़ा ना है, इट्स नॉट रियलिस्टिक.
तो ये हमारी तीन इलास्टिसिटी हो गई। आइए इन्हें हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी को। थ्री डायग्राम बना लेते हैं हम, 1 2 3। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम? इनकम। एंड एक्स एक्सिस पे लेंगे हम क्वांटिटी डिमांड। क्यों? यहाँ पे आता हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी के अंदर। अब पॉजिटिव देख लेते पहले। पॉजिटिव रिलेशन में कैसा होगा हमारा डिमांड कर्व? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। हमारी इनकम यहाँ थी वाई पे, तो हम क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। जैसे ही हमारी इनकम में राइज हुआ तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? क्यू वन। तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जब हमारी इनकम नेगेटिव में कैसे डिमांड कर्व होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारी इनकम यहाँ थी तो हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे थे? इतनी। अब मान लीजिए हमारी इनकम और बढ़ गई तो हम सोचेंगे अच्छी कुछ सी कंज्यूम कर ले हम, तो हमने क्या करा? उसका कंजम्पशन कम कर दिया, क्यू वन पे आ गए क्यू से। तो ये क्या हुआ हमारा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब जीरो का देख लेते हैं हम। जीरो में कैसी कुछ सी? नेसेसिटी कुछ। मान लीजिए हमारी इनकम यहाँ थी, कैसा बनेगा इसमें? वर्टिकल, कि कितना भी इनकम में चेंज आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी इनकम यहाँ थी, जैसी बढ़ के इतनी हो गई तो भी हमारी डिमांड कितनी है? इतनी है, वहीं के वहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसमें आएगा इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गई हमारी? तीन इनकम इलास्टिसिटी। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।